बालिका दिवस के अवसर पर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। समारोह में मुख्य अतिथि ने 10वीं तथा 12वीं में अव्वल रही जिला की 47 बेटियों को 21-21 हजार रुपए के कुल 9.87 लाख रुपए राशि के चेक प्रदान करके सम्मानित किया। समारोह में मेरे गांव की बेटी मेरी शान योजना के तहत जिला की 6 बेटियों अजोली की सुजाता, कपिला स्नोली की दविंद्र कौर, लोअर अरनियाला की हिमानी बेंस व बंदना कुमारी, बसेदड़ा की अंशुल और नगरोली की प्रवीण लता खंडवाल को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ऊना उत्कर्ष योजना के तहत 50 स्थानीय दुकानदारों को भी अपनी दुकानों को बेटियों के नाम से प्रदर्शित करने हेतु बोर्ड प्रदान करके सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला के 21 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि स्नातन के इतिहास में नारी हमेशा पूजनीय रही है। उन्होंने कहा कि भले ही समग्र भारत में वेशभूषा, धर्म, रहन सहन, खान पान इत्यादि की विविधता है, लेकिन हमारी संस्कृति एक ही है। इस संस्कृति ने ही हमें एक धागे में पिरोए रखा है। भारतीय संस्कृति हमें नारी के सम्मान करना सिखाती है और हमें अपने संस्कारों को अनंत काल तक संजोए रखना है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां भी बेटों के समान हर क्षेत्र में अहम योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, राजनीति, खेल गतिविधियों सहित कई क्षेत्रों में अपना सहभागिता दर्ज करके देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि बेटी तथा बेटे में कोई भेदभाव न करे, बेटियों को भी बेटों के बराबर जीवन में आगे बढ़ने तथा सामाजिक व आर्थिक उत्थान में हर संभव योगदान दे ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर सफल जीवन जी सकें। राष्ट्रीय बालिका दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उसमें बालिकाएं ज़्यादा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आई। तो ऊना जिला की स्थिति जो पहले खराब थी, वो प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, जो पेरेंट्स की जागरूकता के कारण और प्रशासनिक लोगों के द्वारा जागरूकता लोगों में लाने के कारण आज उस लिंग अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। और लिंग अनुपात जो चलता था वो पहले जैसा बताया गया कि 850 बच्चियाँ और लगभग 1000 बेटे थे, अभी वो 125 बच्चियाँ और 1000 बेटे तक पहुँचे हैं। तो मैं मान करके कर रहा हूँ एक दिन बराबर बराबर हम आ जाएंगे, बच्चियाँ जैसे बाकी फील्ड में आगे निकले, उस दृष्टि से इसमें भी आगे भी निकलेंगी। और ये सामाजिक बुराई है, इसको सबको इकट्ठे होकर ही लड़ना पड़ेगा। सरकार के प्रयास और जनता का सहयोग इसमें अपनी आवश्यक है। कृषि बोर्ड से फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन हासिल की है, पूरे जिला में उनको 21,000 का इससे सम्मानित किया गया। मैं उन बच्चे बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जिला प्रशासन की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा नया जो मतलब आइडिया निकाला है। उनके प्रिंसिपल्स, उनके शिक्षक, उन सभी को भी मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और इन बच्चियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।